चैप्टर टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है और पार्ट टू like, इस लाइक इस चैप्टर का वो है मेमोरी स्टोरेज यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेमोरी स्टोरेज के बारे में मेमोरी स्टोरेज होती क्या है ऑल ऑफ येटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स आर सेव्ड इन द मेमरी आपका जो भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन आप जो चलाते हैं सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो सारा के सारा मेमोरी में ही स्टोर होता है द बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इज अ सेट ऑफ चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड क्लोज टू द माइक्रो प्रोसेसर सो दैट डेटा कैन ट्रेवल क्विकली बिटवीन द टू डिज आपका जो सबसे बेसिक मेमोरी का टाइप है वो एक चिप्स के का हजूम है जो कि मदरबोर्ड के सामने मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर या सी के सामने होता है ताकि डेटा जो है इन दोनों डिवाइस के दरमियान बहुत तेजी से एक्सचेंज या ट्रैवल हो सके द अदर इज द एक्सटर्नल मेमोरी दैट यूज टेप्स एंड डिस्क टू स्टोर इंफॉर्मेशन दीज डिज आर फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द सी पी यू एंड आर कोल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अब उसके बाद जो मेमोरी आ जाती है वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी जो कि टेब्स या डिस्क को इस्तेमाल करती है इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करने के लिए सेव करने के लिए अब ये जो डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अलग होती हैं और सी से अलग होती हैं और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पहले पहले हम आ जाते हैं मदरबोर्ड के पास कि मदरबोर्ड होता क्या है अब मदरबोर्ड एक ऐसा रेक्टेंगुलर या एक ऐसा चकोर कार्ड होता है जो सारे सर्किट्स सारे तारें जो कि जरूरी होती हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोसेसर कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर का चलाने के लिए जो तारे जरूरी होती हैं उन सबको एक ही बोर्ड पर संभाल कर रखता है अब मदरबोर्ड प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक द प्रोसेसर सी पी यू मेमरी रैम हार्ड ड्राइव एंड द वीडियो कार्ड अब एक मदरबोर्ड सारे जो भी हार्डवेयर के कम्पोनेट्स होते हैं जो भी कंप्यूटर के चीज़ें होती हैं सारों को आपस में कनेक्ट होने होने देता है और उनको प्रोवाइड करता है एक ऐसा जगह कि सारे एक ही जगह में कनेक्टेड हों अब वो सारी चीज़ें जैसे प्रोसेसर रैम या हार्ड डिस्क हमारी सारी एक ही जगह पर कनेक्टेड और सेफ रहती हैं इसके बाद आ जाता है इंटरनल मेमोरी जिसे हम प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी भी कहते हैं तो दो टाइप्स की इंटरनल मेमोरी होती हैं, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम या रीड ओनली मेमोरी रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम रैम रिफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी इट इज ऑल्सो एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी रैम जो है एक ऐसी मेमोरी है जो कि यूज़र को या हमें हमारे डेटा रीड और राइट करने के लिए की फंक्शनैलिटी देती है रैम होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम instructions while सी पी यू वर्क विद अब जो भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन से डेटा रैम में पहले स्टोर होता है और जब तक CPU उसे इस्तेमाल कर रहा है जब तक हम उससे काम कर रहे हैं तब तक वो रैम में स्टोर रहता है रैम इज़ वॉलेटाइल मीनिंग दूस इट्स वेन इज शट ऑफ और इफ़ देर इज अ पावर फेलियर रैम को हम वॉलीटाइल कहते हैं जिसे वॉलीटाइल का मतलब है टेम्परे या आरजी तौर पर इसका मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटर बंद होता है या जब भी लाइट जाती है तो रैम में जो भी डेटा होगा सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा तो इसी वजह से रैम को एक लाइट के कॉन्सटेंट सप्लाई चाहिए होता है ताकि वो अपना डेटा स्टोर करके रखे फॉर दिस रीज़न यू शुड सेव योर डेटा टू स्टोरेज डिवाइस फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड लूजिंग दैम इन अ पावर फेलियर और इसी वजह से आपको चाहिए कि आप अपने जो भी ज़रूरी डेटा है या जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो आप किसी स्टोरेज डिवाइस में अक्स एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद पाँच मिनट के बाद दस मिनट के बाद सेव करते रहें ताकि कभी लाइट चली जाए तो आपका सारा डेटा उड़ ना जाए और रैम जैसे आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर मैंने ऐड की है इसे हम रैम कहते हैं अब रैम अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप्स से आती हैं कुछ लैपटॉप के लिए छोटी होती हैं और कुछ का साइज़ ऐसा ही होता है तो हर जनरेशन के साथ साथ रैम भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती आई है रैम के बाद आ जाता है रीड ओनली मेमोरी रोम जो कि हमारी इंटरनल मेमोरी की दूसरी पार्ट है रीड ओनली मेमोरी परमानेंटली स्टोर्स इट्स डेटा इवन द कंप्यूटर इज शट ऑफ अब जैसे हमने रैम में पढ़ा था कि रैम टम्प्रेरी है आरजी तौर तक डेटा को स्टोर करती है तो उसकी नस्बत जो रीड ओनली मेमोरी रोम है वो अपने डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है और लाइट जाने का भी खतरा नहीं होता उसको तो इसीलिए ही रोम को हम नॉन वॉलीटाइल मेमोरी कह या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि वो अपने जो डेटा है उसको कभी लूज नहीं करता रोम होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस डेट द कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट रोम वो सारे इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स स्टोर करके रखता है या होल्ड करके कर रखता है जिनको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जिसको जिसकी एक कोई भी काम परफॉर्म करने में वेनवर द कंप्यूटर्स पावर इज टर्नड ऑन इट चेक्स रोम फॉर डायरेक्शन डेट हेल्प इट स्टार्टअप एंड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले रोम से देख रोम की तरफ जाता है और चेक करता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है और उसमें कौन सी कौन सी हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉल्ड हैं अब इंटरनल मेमोरी के बाद आ जाती है एक्सटर्नल मेमोरी या जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ नॉन वॉलीटाइल मेमोरी दैट इज़ एक्सटर्नल टू द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्दो दो द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड मेमोरी आर सिमिलर वर्क इन डिफरेंट वेज सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसी नॉन वॉलीटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के मेन मेमोरी से अलग होती है बिल्कुल ही अब आपने नॉन वॉलीटाइल के लफ्ज़ तो बहुत बार सुन लिया होगा वॉलीटाइल का मतलब है टेम्परेरी और जो चीज़ टेम्परेरी नहीं है जो चीज़ आर्जी तौर तो तक नहीं है तो वो परमानेंट या हमेशा रहने वाली होती है तो सेकेंडरी स्टोरेज भी रोम की तरह जो डेटा होता है उसे हमेशा के लिए सेव करके रखती है तो अब स्टोरेज और मेमोरी में क्या फ़र्क है स्टोरेज और मेमोरी में ये फ़र्क है कि स्टोरेज में ज़्यादा स्पेस हम हमारे पास होती है डेटा स्टोर करने की पर और मेमोरी में कम स्टोर स्टोरेज स्पेस होती है स्टोरेज में डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता है पर मेमोरी में जो डेटा है वो कंप्यूटर के बंद होने के बाद ख़त्म हो जाता है स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट मच स्लोवर देन मेमोरी चिप्स बट स्टोरेज इज़ मच चीपर देन मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मेमोरी चिप्स से रैम के निस्बत काफ़ी स्लो होती है पर स्टोरेज जो है रैम से काफ़ी सस्ती भी होती है अब हम आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पे इनपुट आउटपुट प्रोनाउंस आई ओ डिस्क्राइब्स अ डिवाइस दैट इंट्रोड्यूस डेटा इन टू और एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ सिस्टम टिपिकल आई ओ आर हार्ड डिस्क माउस कीबोर्ड एट्सट्रा आई ओ जिसे हम इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म करके बुलाते हैं वो ऐसे डिवाइसेस को डिस्क्राइब करता है जो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करें कंप्यूटर में भेजें या कंप्यूटर से बाहर निकालें या हमें कोई आउटपुट दें हमें कोई चीज़ दें तो उनको कहते हैं हम इनपुट आउटपुट या आई ओ और इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं प्रिंटर हमारी हार्ड डिस्क हमारे कीबोर्ड्स माउस वगैरह इनफैक्ट समिवाइस आर बेसिकली इनपुट ओनली डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस अदर्स आर प्राइमरिली आउटपुट ओनली डिवाइस प्रिंटर एंड मोनीटर कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो कि हमें सिर्फ इनपुट दें जैसे कीबोर्ड और माउस और कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो हमें सिर्फ आउटपुट दें जो कि प्रिंटर और मोनीटर हैं सम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अ टच स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल इज अ टाइप ऑफ मोनिटर दैट डिस्प्लेस टेक्सट और आइकन्स यू कैन टच और कुछ हार्डवेयर ऐसा भी है जो बहुत दोनो, दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों काउंट होती है जैसे हमारे पास टच स्क्रीन हो गई मोबाइल की तो टच स्क्रीन जो है वो हमें इनपुट हम उसे टच करेंगे तो हम इनपुट दे रहे हैं और स्क्रीन पर कुछ जो भी चीज डिस्प्ले कर रहा है तो वो हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा तो इस तरीके से वो हमारे लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाती है पहले पहले हम आ जाते हैं इनपुट डिवाइस के ऊपर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इनपुट डिवाइस जो हैं वो ऐसे सारे डेटा सारे इंस्ट्रक्शन से कमांड्स यूजर से हमसे लेता है या किसी और कंप्यूटर सिस्टम से डेटा लेता है इनपुट डिवाइस में एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है कीबोर्ड की विच एक्सेप्ट लेटर्स नंबर्स एंड कमांड्स फ्राम द यूज़र आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो आपका आपने समझे ए दबाया तो ए जाके कंप्यूटर में डिस्प्ले हुआ तो आपने इनपुट दिया तभी जाके वो इनपुट ए प्रिंट ए डिस्प्ले हुआ ना तो आप जो भी चीज़ करेंगे वो इनपुट काउंट होगी उसके बाद आ जाता है माउस विच लेट्स यू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑन स्क्रीन मेन्यूज आपकी स्क्रीन पे कुछ जो मेन्यूज आते हैं उन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप एक और बार इनपुट ही दे रहे हैं अपना स्कैनर कैन कॉपी अ प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक इनटू द कंप्यूटर मेमोरी फ्रीइंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग द डेटा फ्रॉम स्क्रैच स्कैनर एक आपका पेज लेके उसको कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर करता है आपका कोई भी पेपर हो उसको स्कैन करता है और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो ये स्कैनर आपका डेटा इनपुट कर रहा है कंप्यूटर में कंप्यूटर को डेटा दे रहा है तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इनपुट डिवाइसेस का पूरा समझ में आ गया होगा अब तक तो आगे हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर की एक और एग्जांपल्स कुछ मैंने आपके लिए पिक्चर लाए लाया हूँ मैं जैसे आपके पास टच स्क्रीन आ गई कैमरा स्कैनर माइक्रोफोन जॉयस्टिक, कीबोर्ड माउस वेब कैम ट्रैक ये सारी एग्जाम्पल्स इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम अगले चैप्टर में और गहराई में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डेटा टू द यूज़र और टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करके अब हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट तो दे दिया अब उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसका कोई मतलब निकालेगा फिर उसको हमें वापस भेजेगा ना जैसे हमने ए दबाया तो ए कीबोर्ड ने कुछ कमांड भेजा होगा कम सी ने उसे कन्वर्ट किया होगा मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर की अपनी ज़बान में फिर उसने मॉनिटर को भेजा होगा ताकि मॉनिटर वो हमें ए स्क्रीन पे दिखा दे तो ये सारा प्रोसेस इनपुट से आउटपुट तक का प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है अब ये जो ए हमारे स्क्रीन पे आ गया इसे हम कहेंगे आउटपुट और ये हमें आउटपुट डिवाइस जो कि हमारा इस केस में मॉनिटर है उसको रिप्रेजेंट करता है एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया मॉनिटर, द कंप्यूटर सेंड्स आउटपुट टू द मॉनिटर द डिस्प्ले स्क्रीन व्हेन द यूजर नीड्स ओनली टू सी द आउटपुट जब हमें जरूरत होती है आउटपुट देखने की तब कम सी पी यू आउटपुट मॉनिटर को भेजता है जो कि मॉनिटर डिस्प्ले करवाता है प्रिंटर इट सेंड्स आउटपुट टू द प्रिंटर व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट अ पेपर कॉपी आल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर कोई भी सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट या हमारा कोई भी पेपर कंप्यूटर में हो उसे प्रिंट करते हैं तो वो हमारा आउटपुट पेपर की फॉर्म में आ जाता है हमारा या हार्ड कॉपी की फॉर्म में स्पीकरस और हेडफोन्स आर यूज टू प्रोड्यूस साउंड एज आउटपुट जो हमारे स्पीकर्स हैं या हेडफोन्स हैं वो आवाज को एक आउटपुट के तौर पे हमें देते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे आउटपुट डिवाइसेस की हैं जैसे मॉनिटर, हेडफोन्स स्पीकर प्लॉटर, प्रोजेक्टर प्रिंटर अब इन सारी चीज़ों को हम और गहराई में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पोर्ट्स पोर्ट एज अ सॉकेट एट दैक ऑफ अ कंप्यूटर यूज टू प्लग इन वेरियस डि पर्सनल कंप्यूटर्स है पोर्ट्स हम उन सॉकेट्स को कहते हैं जो कि कंप्यूटर की बैक या फ्रंट पर होती हैं तो जिनमें हम अलग अलग डिवाइसिस या अलग अलग चीज़ें प्लग इन करें कंप्यूटर में चलाने के लिए कंप्यूटर्स में अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं इंटरनली देर आर सेवरल पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग डिस्क डिस्क ड्राइव डिस्प्ले कंट्रोलर्स एंड कीबोर्ड्स कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि डिस्क ड्राइव हमारे हार्ड डिस्क डिस्प्ले ड्राइवर्स या कीबोर्ड्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं पर जबकि बाहर ऐसे पोर्ट बहुत होते हैं जो कि हमारे मॉडम प्रिंटर और माउस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अब uh, पोर्ट्स की भी दो टाइप्स हैं सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स सबसे पहले हम आ, जा, हम आ जाते हैं सीरियल पोर्ट्स की तरफ अ सीरियल पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इन विच ओनली वन बिट इज ट्रांसमिटेड एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट अ सीरियल पोर्ट आल्सो कॉल्ड अ मेल कनेक्टर हैज 9 और 25 पिन्स एक ऐसा और पोर्ट या इंटरफेस जो कि सीरियल कम्युनिकेशन जिसमें एक बिट एक टाइम पे ट्रांसमिट हो या ट्रैवल करे किस दो जगहों के बीच में उसे हम कहते हैं सीरियल पोर्ट एक सीरियल पोर्ट को हम मेल कनेक्टर भी कहते हैं जिसमें नौ या पच्चीस पिन्स हो अ सीरियल पोर्ट इज जनरल पर्पस इंटरफेस डेट कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग मोडैम्स माइस एंड प्रिंटर्स ऑल दो मोस्ट प्रिंटर्स आर कनेक्टेड टू अ पैरेल पोर्ट एक सीरील पोर्ट बहुत सारे डिवाइस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ज़्यादातर मोडम जो हमारे इंटरनेट के होते हैं माउस जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं और प्रिंटर्स जबकि काफ़ी सारे प्रिंटर्स ऐसे हैं जो कि पैरेल पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं सीरियल पोर्ट्स की बात आ जाते हैं पैरेलल पोर्ट्स अ सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन पैरेलल, व्हिच मींस मोर देन वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट अब जैसे हमने पढ़ा कि सीरियल पोर्ट में एक बिट एक टाइम पर ट्रैवल कर रहा था या ट्रांसमिट हो रहा था तो उसके बजाय पैरेलल पोर्ट में बिट्स साथ, साथ ट्रैवल करते हैं या ट्रांसमिट होते हैं जिसकी वजह जिसके फायदे से एक टाइम पे एक से ज्यादा बिट्स ट्रैवल कर सकते हैं और इस सॉकेट को हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट देर so chan में थर्टी टू चैनल्स ईच चैनल कैरीज वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सो एट चैनल्स वुड बी यूज्ड टू ट्रांसमिट एट बिट्स एट टाइम नॉट ऑल फॉर कंट्रोल सिग्नल्स अब पैरल पोर्ट्स में आठ सोलह या बत्तीस तक चैनल्स हो सकते हैं जिसे हम वायर्स भी कहते हैं और हर चैनल एक इंफॉर्मेशन का बिट कैरी करता है तो आप देखिए सीरियल पोर्ट में एक चैनल एक टाइम पे चलता था और उसके नस्बत पैरल पोर्ट में एक टाइम पे आठ या से बत्तीस तक चैनल्स एक टाइम पे चल सकते हैं पर इन से सारे चैनल्स डेटा ट्रांसफ़र करने में ही इस्तेमाल नहीं होते बल्कि कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को भी ट्रांसफर करने में इस्तेमाल होते हैं अ पैरल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड फीमेल कनेक्टर हैज फाइव होल्स एक पैरल पोर्ट जिसे हम फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं उसके पच्चीस होल्स होते हैं पच्चीस खड्डे होते हैं और एक केबल जो इन सारे पच्चीस पिन में पच्चीस होल्स में अपनी पच्चीस पिन डालती है इट इज अं पोर्टू कनेक्ट टेप ड्राइव्स और सी डी रोम्स आपके स्क्रीन पे फीमेल और मेल पोर्ट्स की एक पिक्चर भी मैंने डाल दी है हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ही यह ख़त्म होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और अगर आपको कोई और सवाल है कोई और टॉपिक रिक्वेस्ट करना है तो आप हमें ई करें या आप हमें प्लस नाइन टू थ्री वन एट थ्री वन एट ट्रिपल सिक्स ज़ीरो पर मैसेज करें शुक्रिया